बलवाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान उसने जूना बलवाड़ा में रखी गई लाखों रुपए की नल जल योजना की पाइप सहित बिजली के केबल चला दिए। इसके बाद उसने मुख्य धारा व बलवाड़ा में सड़क पर खड़े करीब 10 चार पहिया वाहनों के कांच फोड़ दिए। कुछ घरों के दरवाजे भी तोड़ने का प्रयास किया। आगजनी के बाद लोगों ने आक्रोश जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी बलवाड़ा क्षेत्र का ही है। पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। बड़वाह SDOP विनोद दीक्षित ने कहा कि आरोपी को तलाश कर रहे हैं। जूना बलवाड़ा में रात करीब 1 बजे पाइप में आग लगने की सूचना मिली थी। आग की लपटे देख बड़ी संख्या में ग्रामवासी आग बुझाने में लग गए और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। फायर ब्रिगेड के पहुँचने तक आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिसकी लपटे करीब 40 फीट तक उठी। इस आग को बुझाने के लिए बड़वा सनावद व करही की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बड़ी मात्रा में पाइप जलकर खाक हो चुके थे। जिस जगह पाइप रखे थे उस जमीन मालिक का उसी जगह लगा ट्यूबवेल भी कट कर जमीन में धस गया। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग क्षेत्र में भी फैल सकती थी। इस पाइपलाइन के साथ ही पड़ावा की निजी फार्म हाउस पहाड़ी पर बने आश्रम की बागड़ में आग लगाई गई है। पुलिस टीम के द्वारा मौके पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही आगजनी से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।